तो मॉर्निंग के साथ ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। कल बहुत ज़्यादा ही थके थे तो ब्लॉग को भी एंड नहीं किया था। फाइनली दूसरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, नेक्स्ट ब्लॉग। तो चलिए, आज थोड़ा सा बाहर लग रहा है कि धूप निकला हुआ है। सुबह से तो धूप नहीं निकला हुआ था, रात भर बारिश भी हुई है। तो चलते हैं, सारे कपड़े वगैरह डालते हैं, क्योंकि कपड़े वगैरह ढेर सारे हैं जमा जो कि गीले हैं। और अभी 9:30 का टाइम हो गया है, अभी जाकर लग रहा है थोड़ा सा धूप निकला है। अभी डायरेक्ट चलते हैं छत पर। सारा काम हो गया, सारा क्लीनिंग का काम जो होता है मॉर्निंग का, सारा कुछ हो गया। नाश्ता पानी भी हो गया, आज ब्रेड का नाश्ता हुआ है। और अब चलते हैं, कपड़े वगैरह धूप में डाल देते हैं, सारा दिन में सूखता रहेगा। देखिए, अच्छा धूप निकला है और छत की हालत देखिए, पूरा भीगा पड़ा है। लगातार बारिशें हो ही जा रही है, रात भर बारिश हुआ है। तो चलते हैं, फटाफट से कपड़े डाल देते हैं। तो ये इतने सारे कपड़े तो डाल दिए हमने, और अभी फ़िलहाल देखते हैं ये सब रह गए हैं, ब्लैंकेट वगैरह, छोटे छोटे ब्लैंकेट्स हैं, तो उनको भी देखते हैं, जगह बनाकर डालते हैं। पूरा जगह फुल हो चुका है कपड़े से, और ऐसा हाल मेरे घर का ही नहीं है, सबके घर का ऐसा होगा कपड़े नहीं सूखने का। तो इस पर डाल देते हैं, ये हल्का सा सूखा हुआ है। सारे कपड़े डाल चुके हैं, अब चलते हैं नीचे। 2-3 घंटा धूप अच्छा निकल जाए तो सारा कुछ सूख जाएगा। ये साग मैंने धो दिया है, पालक और मेथी का साग है। सरसों साग के लिए तन्नी को मार्केट भेजे हैं, अगर मिल जाएगा तो साग बनाएंगे कल मक्की की रोटी के साथ खाने के लिए। यहाँ पर देखिए, सब्जी काटेंगे आज, मिक्स वेजिटेबल बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर बीन्स, गाजर, गोभी, सारा कुछ हमने लिया हुआ है। मटर भी यहाँ पर हमने धो कर रख लिया है। तो चलिए सब्जी काट लेते हैं, उसके बाद से मिक्स वेजिटेबल बनाएंगे चावल के साथ खाने के लिए। चावल यहाँ पर बन गया है, और इधर दाल भी बन गया है। दाल ने बस छौंका लगाना बाकी है। तो इतना सारा काम सुबह का हो रहा है, आज काफ़ी टाइम भी हो गया, 11:30 बजे का टाइम हो गया है। तो फटाफट से सब्जी काटते हैं, सब्जी बनाते हैं। तो इतना साग तो हमने धो कर रख लिया है, इसका पानी निकलता रहेगा तब तक। अभी देखते हैं, अगर सरसों का साग मिल जाए तो उसके साथ ही बना कर रख लेंगे पका करके। सुबह से इतना काम निकला है कि क्या बोले। कोई भी घर में अनुष्ठान हो, प्रोग्राम हो, तो काम इतना बढ़ जाता है, काम करते करते अगले दिन परेशानी मिलती है। तो ये हो गया, गोभी हमने कट कर लिया फटाफट से, बीन्स भी काटते हैं, गाजर काटते हैं, और फिर सब्जी बना लेते हैं। सारा कुछ पहले ही हमने धो लिया है, बस इसकी कटिंग करेंगे और बनाएंगे। सारे सब्जियों को हमने नमक के साथ भून लिया है, इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, ज़रा सा हल्दी पाउडर, ज़रा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला भी डालकर अब इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं, और ये सब्जी रेडी हो जाएगी। आमचूर पाउडर भी कहीं पर है, अभी हमको मिल नहीं रहा है। तो बस ये मिक्स वेजिटेबल सूखा वाला इस तरीके से बनाकर बस ये सब्जी रेडी हो गया है। थोड़ा सा इसे ढककर पकाएंगे, थोड़ी देर में सब्जी हो जाएगी। और इधर दाल भी हमने चढ़ा दिया है, दाल में तड़का लगाएंगे। ये सरसों का साग नहीं मिला, बस बथुआ का साग मिला है। बता रहे हैं कि विंटर का सीजन खत्म हो गया, तब सरसों का साग नहीं मिलेगा, तो तन्नी के दूसरी बथुआ का साग मिला। और ये देखिए, साग धोने के बाद का नतीजा, पूरा जो सिंक है भरा हुआ है लबालब, साग जो है इसमें फंस गया है। तो इसे निकालना है, क्लीन करना है, और ये इतना सारा कचरा निकला हुआ है सब्जी का, इसे भी फेंकना है। तो वही है, साग बनाने जाओ तो इतना कचरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया साग को साफ़ करने में, इसी वजह से मैं साग बनाने का जल्दी नाम नहीं लेती हूँ। तो चलिए, अभी तो साग बनाना भी बाकी है, इसे अभी चुनेंगे, इसका डंठल अलग करेंगे, तो ये बथुआ का साग रेडी होगा। पहले मैंने इसे धो दिया है, काफ़ी कचरा था, काफ़ी मिट्टी था। तो
अभी हो गया शाम का वक्त, थोड़ा सा आराम करके उठी तो ढेर सारे कपड़े जो दो तीन दिन से नहीं सूख रहे थे सूखने के लिए डाली थी, सारा सूख गया था, समेट कर सबको उसके जगह पर अरेंज किया। अरेंज करने के बाद अभी चाय वाय पी कर बैठी हूँ, शाम का वही खाना पीना क्या बनेगा वही मैं सोच रही हूँ। तो सुबह की सब्ज़ी मैंने जो बनाई थी वही थोड़ा ज़्यादा ही बन गई थी, तो उसी के साथ अभी जो है रोटी खा लेंगे हम सभी, रोटी खाने के लिए कोई झंझट नहीं है। साथ ही साथ जो साग मैंने सुबह बॉईल किया था उसमें भी तड़का लगाना है, तो उसे तड़का लगा कर रख देंगे अभी रात को ही, तो थोड़ा सा अभी रोटी के साथ भी खा लेंगे और कल सुबह उसको नाश्ता में भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये साग बेसिकली मैं इसलिए बनाई थी कि मैं मक्की की रोटी के साथ इसे खा पाऊँ। तो सरसों का साग मार्केट में कहीं भी नहीं मिला, तन्नी लोकल हमारे मार्केट में खोज कर आ गई, ढूंढ कर आ गई लेकिन नहीं मिला। तो कोई नहीं, पालक और बथुआ के साथ ही मैं इस साग को बनाई हूँ। और चलिए इसका तड़का वगैरह लगाते हैं। सुबह इतना मतलब हेक्टिक हो जाता है, इतना बिजी वाला हो जाता है कि नाश्ता बनाने का भी टाइम नहीं रहता है। एक तो ठंड का मौसम है, ऊपर से उठने में भी थोड़ा सा लेट ही हो जाता है, और इधर सारा कुछ क्लीनिंग वगैरह साफ़ सफाई करते करते जो मॉर्निंग का रूटीन होता है डेली मॉर्निंग का वो सब करते करते काफ़ी लेट हो जाता है, और इस वजह से थोड़ा नाश्ते में भी देर हो जा रहा है, नाश्ता नहीं बना पा रहे हैं। तो कल देखते हैं, कल सुबह तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो मक्के का जो आटा है ज़्यादा दिन हो जाए तो फिर वो थोड़ा सा कड़वा जैसा लगता है। और सरसों का साग तो नहीं मिला तो क्या हुआ, पालक का साग तो है, पालक मेथी बथुआ ये सब डालकर बना रहे हैं, तो ये भी खाने में कोई ख़राब नहीं लगेगा। तो चलिए अब चलते हैं, देख लेते हैं रसोई घर में क्या बनाना है करना है। थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि मैंने साग में भी नमक डाला हुआ है, साग बना रही थी तो मैंने नमक डाल दिया था। लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च ये सारा कुछ का तड़का लगा रहे हैं साग के लिए। अब ये है साग, अभी तड़का लगा देते हैं तो सुबह आसानी रहेगी। इसमें मैंने टमाटर भी ऐड किया है, कुछ लोग नहीं भी डालते हैं टमाटर साग में, तो ये आपकी चॉइस है, आप डालना चाहते हैं कि नहीं। साग को कभी भी घी में तड़का लगा देखिएगा, उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो साग कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं खाना पीना खा लेते हैं, निखिल को भी खाना देते हैं। निखिल को ये साग नहीं देंगे क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा है, घी ज़्यादा है, अब इसमें घी ऊपर से डालेंगे। घी हमने तड़का में नहीं डाला था, घी ऊपर से डाल देते हैं या फिर कल ही डालेंगे खाने के टाइम में। चलिए साग को उतारते हैं। चलिए रात का खाना तो बन गया, आज के लिए ब्लॉग को भी एंड करते हैं यहीं पर। मिलते हैं आप सभी से कल एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर।